यस बी क्लास, नेक्स्ट टॉपिक है थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी बातें नहीं, अभी थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की दो थ्योरम होती हैं भाई। पहला पॉइंट डालिएगा, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस भी, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। पैरेलल पूरा लिख दोगे? मैं लिखूं, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। रेल नहीं आई भाई, ट्रेन आई है। ट्रेन तो ट्रैक्स होती है, उससे पाई में फर्क नहीं है। वह ट्रेन आई, फिर रेल ट्रैक्स को बोलते हैं भाई, रेलगाड़ी होती है। ठीक है, छोड़ो। लिखिए पहली थ्योरम ऑफ क्लास, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस भी, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। मैं डायग्राम बना रहा हूँ, डायग्राम आपको अभी नहीं बनाना, अभी कुछ देर में बनाना है, जब प्रूव करेंगे उस टाइम भी। कोई बॉडी घूम रही है, मान लेते हैं रोटेट कर रही है, अब वही करा लेते हैं रोटेट, तो हम बुक पढ़ा कराता है, बीच में से करवा रहा हूँ रोटेट हम की बार में। ये एक सेंटर है, सेंटर ऑफ मास बोल रही है, एक एक्सिस यहाँ से पास कर रही है, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, और इसको यहाँ से घुमाना चाहते हैं हम लोग इस एक्सिस से। ये दो एक्सिस के आपस में पैरेलल हैं भाई, इस तरह को बोलते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। एक बॉडी है, एक एक्सिस ये पास कर रही है, इसके इसके अराउंड घूमना है इसको, एक इसके सेंटर से पास कर रही है। ओके, ये एक्सिस ए बी मान लेते हैं, ए बी इट इज सी डी, क्या पैरेलल है? ये सेंटर ऑफ मास सी मान लेते हैं, ये डिस्टेंस कितना यहाँ से यहाँ तक का एच मान लेते हैं, कितना मान लें? एच मान लेते हैं, कर लोगे। तो थ्योरम क्या बोलती है अभी? ये बोलती है कि इस एक्सिस के अराउंड अगर आपको निकालना हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और किसके बराबर होगा अभी? और बराबर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी डी प्लस मास और एच स्क्वेयर की गुणा के भी। अभी लिखवाऊंगा डेफिनेशंस के अंदर, कर लोगे। किसके बोला मैंने इसको? देखिए मैंने ये लिखवाया है, लिखवाऊंगा आपको मैं, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी इज इक्वल टू किसके भाई? मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट सी डी प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास एंड स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस भी। समझ में आया कि नहीं आया अभी? ये हमको प्रूव करना है थ्योरम को भी। पहले होता है स्टेटमेंट, फिर होता है प्रूव, फिर हम बताते हैं कि थ्योरम क्या है। हम बताना चाहते हैं, समझ में आपको भी? तो एक बार लिखिए क्या बोल रहा है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस भी। लिखो, इट स्टेट दैट द मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एनी एक्सिस ए बी, कोई भी एक्सिस ए बी हो सकती है, अबाउट एनी एक्सिस ए बी इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस सी डी। ओके, विच पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास प्लस प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस। स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस
देखो अभी जो थ्योरम मैंने लिखवाई आपको कंप्लीट वो क्या है अभी, मैंने बोला है अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो अबाउट एनी एक्सिस ए बी, एनी एक्सिस ए बी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा वो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस सी डी विच पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास प्लस प्रोडक्ट ऑफ किसका मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस भी, ये लिखिए अभी आप इसके बाद ये लिखो आई ए बी इज इक्वल टू आई सी डी प्लस एम एच स्क्वेयर, एम को कैपिटल कर लीजिएगा पूरा मास है ये बॉडी का, मास ऑफ द बॉडी, ठीक है समझ में आया कि नहीं आया, इसको प्रूव करना अभी मेरे को इस जो मैंने लिखवाई है सही है कि गलत है, अभी प्रूफ लिखिए भी इसका, लिखो प्रूफ थ्योरम ऐसे ही करते हैं हम लोग मैथमेटिक्स में, देखा थ्योरम पहले लिखवाते हैं स्टेटमेंट लिखवाते हैं फिर इसको प्रूव करते हैं मैथमेटिक्स में, ऐसा ही करना है डायग्राम अभी बनाना प्रूफ में लिखना डायग्राम, आपको प्रूफ लिख दिया डायग्राम बनाओ अभी, इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्लास 3 नंबर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, एक्सिस दो हैं ये भी पैरेलल कर रहे हैं फिर हम कल करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस क्या है तो इसका यूज करेंगे, अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएंगे अभी यहाँ से, कौन सा भाई ये ए बी है ये सी डी है, ये इसको एक्स वाई ले लो कोई दिक्कत नहीं है ये क्योंकि सी एम पे भी यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है इसको एक्स वाई ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीज की कर लोगे सी डी तो कोई भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑब्वियस है ये सी है नहीं सेंटर ऑफ मास के लिए भी हो जाएगा, प्रूफ करें लिख लीजिए अभी, वी हैव ए रिजिड बॉडी, वी हैव ए रिजिड बॉडी क्या होती है जिसके पार्टिकल डिस्टेंस कभी चेंज ना हो, यस आर नो, वी हैव ए रिजिड बॉडी हैविंग एन पार्टिकल्स, having n particles of mass m1, m2, up to mn, okay? Having perpendicular distance r1, r2, rn From the axis of rotation, R1, R2, up to Rn, from axis of rotation. समझ में आया कि नहीं आया अभी, क्योंकि यहाँ पे मेरे को क्या यूज़ करना है, टोटल मास यूज़ करना है बॉडी का, कैसे बनाते हैं टोटल मास को, जोड़ देते हैं, टोटल मास कितना होगा भाई, कैपिटल M ले लूँ, M1 प्लस M2 प्लस सोन भाई Mn जोड़ देते हैं, और जोड़ने का तरीका क्या है, समेशन एम आई लिख दूं, I फ्रॉम 1 टू n, यस और नो, यानी मैं बोल सकता हूं कि पूरी बॉडी का मास Mi है भाई, यस और नो, जोड़ने के बाद जो आंसर आई डीज एम आई भी, I फ्रॉम 1 टू n, तो आई आई को कहीं ना कहीं मान लो किसी कहीं तो पॉइंट होगा ये आई, ये पूरी बॉडी का एक ही मास आ गया अभी, कौन सा आई एम आई, यस और नो, मैं इसको यहाँ पे मान लेता हूँ ये पॉइंट सीधा ना, यहाँ पे एम आई मास है अभी, आई से बी का जोड़ है भाई, कर लोगे, ये एम आई है पहले की कितना डिस्टेंस था आर वन था दूसरे का एम टू का आर टू का, तो एम आई का कितना हुआ डिस्टेंस सेंटर से आर आई, ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का, इट इज आर आई, यस और नो, चेंज करो डायग्राम में भी, आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी डी, पहले सी डी के निकाल लेते हैं, देख लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी डी, फॉर्मूला क्या होता है इनर्शिया का भी, क्या होता है सिंपल है, मास इंटू आर स्क्वेयर भाई, यस और नो, तो आई सी डी कितना होगा, क्योंकि जो एम आई है ना ये विद इसके पास क्या है समेशन भी है भाई, याद रखिए इस बात को, समेशन भी रखता है ये अपने साथ,
कर लोगे तो क्या आएगा, समेशन एम आई आर आई स्क्वायर वे आई फ्रॉम वन टू एन। सही लिखा है, कर पाओगे? दूसरा भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी, अबाउट ए बी, ए बी निकालना हो तो ये रहा ए बी, तो फार्मूला क्या बनना है, आई ए बी। अब मास तो इसका एम आई है, एम आई है, यहां तक का डिस्टेंस कितना है, आर आई प्लस एच वी, यस आर नो? तो कैसे लिखोगे, समेशन आई फ्रॉम वन टू एन एम आई इंटू आर आई प्लस एच का स्क्वायर वे, क्या सही लिखा है? यहाँ तक तो आर आई हो गया, और पूरा तो आर आई प्लस एच हो गया भाई, समझ में आया कि नहीं आया भाई? क्या इसको ओपन कर सकते हो स्क्वायर को, इसको रब कर दूँ, हो गया तो आई ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, समेशन आई फ्रॉम वन टू एन एम आई, क्या हुआ, आर आई स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर प्लस टू आर आई एच, बस यही है, ठीक है, गुणा कर लीजिएगा, आई ए बी इज इक्वल टू, ऐसे ले सकते हैं इसको, समेशन आई फ्रॉम वन टू एन एम आई आर आई स्क्वेयर, इसके गुणा होगी, प्लस समेशन आई फ्रॉम वन टू एन एम आई इंटू एच स्क्वेयर। सही है, आगे क्या हुआ, रब कर दें, प्लस कितना होगा भाई, समेशन आई फ्रॉम वन टू एन टू बार निकाल लेते हैं एम आई आर आई एच वी, एम आई की गुणा कर दी तीनों के साथ भी, कर लोगे, यस आर नो? अब देखो भाई, इसमें एक रिलेशन आ रहा है, समेशन आई फ्रॉम वन टू एन एम आई आर आई का वैल्यू जीरो होता है भाई, ये कल आपको बताऊंगा, कल आपको क्यों होता है जीरो, एम आई आर आई का वैल्यू कितना होता है, जीरो, कर लोगे, ये सारा जीरो हो गया, ये क्या अभी क्लास, एम आई आर आई स्क्वेयर, ये ए बी का एक सी डी का, सी डी का क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अभी, चेक कर लो, तो आई ए बी का कह सकता हूँ, इट इज आई सी डी, ये क्या है, आई सी डी, व्हाट इज समेशन एम आई, ये टोटल मास है बॉडी का भाई, ये क्या हो गया, प्लस एम इंटू एच स्क्वेयर, दिस इज द थ्योरम, ये जीरो हो गया भाई, समझ में आया कि नहीं आया भाई, एम आई आर आई जीरो क्यों हुआ, कल बताएंगे आपको, सेंटर ऑफ ए ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास क्या था भाई, ऐसा पॉइंट जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पूरी बॉडी का मास आया हुआ है, ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटी वेट होता है, ऐसा पॉइंट बोल सकते हैं जहाँ पे पूरी बॉडी का वेट आया हुआ भाई, यस और नो? लिख लीजिए, इट इज द पॉइंट वेयर, इट इज द पॉइंट वेयर होल वेट ऑफ द बॉडी, इट इज द पॉइंट वेयर होल वेट ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी कंसेंट्रेटेड वी, होल वेट ऑफ द बॉडी इज said to be concentrated, is said to be concentrated, a point where whole weight of the body is said to be concentrated is called center of gravity, is called a center of a gravity, yes or no? कोई body है भी class, किसी भी shape की हो सकती है, कोई mass होगा, कोई weight भी होगा भाई, mg की term में, yes or no? मान लेते हैं एक बॉडी यहाँ पे बैलेंस होगी भाई, बैलेंस ही करनी है मनों को, सेंटर मास में मैंने बॉडी को बैलेंस किया था, एक पॉइंट पे बॉडी क्या होगी, बैलेंस होगी, ऐसी कोई बॉडी है यहाँ पर बैलेंस होगी भाई, कर लोगे, बैलेंस कब हो सकती है भाई, जब ये वाला सेक्शंस ऐसे घूमना चाहता है और ये वाला ऐसे जाना चाहता है, रोड को बैलेंस किया था, रोड को बैलेंस कैसे किया था, ऐसे किया था हम लोगों ने इस पॉइंट के ऊपर, तो क्या बोला था कि यहाँ पर एक टॉर्क लग रहा होता भाई ऐसे भी, यहाँ पर भी एक टॉर्क लग रहा होता ऐसे,
या तो बॉडी ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी, यस और नो? अगर टॉर्क की वैल्यू जीरो जाए तो बॉडी वहीं पर रह जाएगी, यस और नो? इसमें टॉपिक मैंने किया था इंटरम ऑफ इक्विलिब्रियम, इन सेकेंड थॉर्म ऑफ इक्विलिब्रियम में था ये। बॉडी वहीं पर कब रहेगी? जब नेट टॉर्क कितना हो जाएगा? जीरो। बॉडी यहीं पर बैलेंस हो जाएगी भैया। अगर इसका मास ज़्यादा हो, इस सेक्शन का मास ज़्यादा हो, तो ये बॉडी ऐसे जाएगी नीचे घूमती हुई, और ये वाला ऐसे जाएगा। नहीं, दोनों तरह के टॉर्क क्या हो जाएँ? बराबर हो जाएँ तो स्टेबल हो जाएगी भी। उसमें आंसर आता है नेट टॉर्क इक्वल टू जीरो किया था मैंने, क्यों? क्लॉक वाइज की डायरेक्शन और एंटी क्लॉक की डायरेक्शन उल्टी थी भाई, माइनस आंसर आता था उसके अंदर। याद है कि नहीं है? सीधी सी बात यह है भाई, अगर नेट टॉर्क जीरो हो जाए तो बॉडी क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। समझ में आई कि नहीं आई? तो इस बॉडी के पास मासेज भी हैं, सारी चीज़ें हैं भाई, ठीक है। अगर इसका नेट टॉर्क मैं जीरो कर दूँ तो बॉडी इस पॉइंट पर क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। उसी पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग? सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे। जहाँ पे वेट, देखो वेट क्या होता है? सिंपल, मास तो होगा कुछ ना कुछ, वेट क्या होगा? एम जी होगा। अब एम जी कैसे करोगे? इसमें तो एन पार्टिकल्स हैं भाई, कैसे बनाओगे? एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री एंड सो ऑन भाई। तो क्या डालते हैं हम लोग? समेशन एम आई, यस और नो? टॉर्क क्या होता है भाई? क्लास टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, याद है कि नहीं है? आर क्रॉस एफ, या सिंपल टर्म में आर इंटू एफ कर दूँ, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी सही है, या सिंपल ये तो वेक्टर मान ना बनाए तो क्या आप लिखते हैं इसको? ऐसे लिखते थे एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो था। अब इसके पास एन पार्टिकल सिस्टम है अभी, उनका वेट कितना होगा भाई? फोर्स जो है वो वेट तो है भी यहाँ पे, ग्रेविटी के टर्म में फोर्स क्या होता है? वेट ही है भी यहाँ पे, इट इज इन टर्म ऑफ ग्रेविटी। और वेट क्या होता है क्लास? वेट होता है एम जी, ये फोर्स ही तो है, कर लोगे? अब एन के लिए करें तो टोटल वेट कितना होगा बॉडी का भाई? फॉर एन पार्टिकल सिस्टम भी एफ ले लेते हैं, समेसन आई फ्रॉम वन टू एन एम आई जी, ये तो सेम होता है सभी के लिए। पहले का कितना होगा? एम वन जी। दूसरा कितना होगा? एम टू जी। थर्ड का एम थ्री जी। टोटल कितना होगा भाई? जोड़ देते हैं, यस सर नो? चेंज किया हो रहा है सर, अब एम वन एम क्या कर दिया? एम आई जी आई फ्रॉम वन टू एन। उसी तरीके से डिस्टेंस आर जो है वो चेंज होगी हर एक के लिए, फर्स्ट के लिए आर वन, सेकेंड के लिए आर टू एंड सो ऑन। यानी टॉर्क को मैं लिख सकता हूँ, टॉर्क इज इक्वल टू समेसन आई फ्रॉम वन टू एन आर आई, सही लिखा है, क्रॉस एम आई जी, सही लिखा है कि नहीं लिखा है? टोटल टॉर्क ऑन द बॉडी, यस और नो? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? एम तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल सकते हैं, इसको अंदर डाल सकते हैं। तो टॉर्क इज इक्वल टू इन टर्म ऑफ वेक्टर लिखते हैं तो समेशन आई फ्रॉम वन टू एन एम आई आर आई क्रॉस, वेक्टर बना ले, वेक्टर ही बना रहे हैं, क्रॉस क्या था? जी वेक्टर ही है सर। क्या सही लिखा है मैंने ये बात? अरे आर को यहाँ पे ले आया, एम को यहाँ पे ले आया गुणा में, क्या फर्क पड़ता है? वेक्टर तो यही है, कर लोगे? एम आई आर आई जी भी वैक्टर है, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, वेक्टर बना लो इसको भी। वेक्टर नहीं बनाना तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ के लिए, कर लोगे? ये दोनों लिख रखे मैंने, वेक्टर बनाना तो बना लो, नहीं तो रहने भी दो, गुणा कर लो सिंपल वाली, हो जाएगा भाई। yes, sir. इतना हो गया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसको बोलते हैं? ऐसा पॉइंट जहाँ पे बॉडी बैलेंस हो जाए, वेट बैलेंस है बॉडी का, यानी टॉर्क कितना होगा वहाँ पे? जीरो होगा। तो लिखो एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इतना लिख लिया भाई, लिखो एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी नेट टॉर्क इज जीरो भी। नेट टॉर्क कितना था? होता है जीरो, बॉडी बैलेंस हो जाती है उस पॉइंट पे भी, नेट टॉर्क इज जीरो। अगर टॉर्क को जीरो कर दूं तो क्या आंसर आएगा मेरा अभी? ये जीरो कर दो, यानी समेशन आई फ्रॉम वन टू एन एम आई आर आई, यही है ना, इनटू जी आई जी सॉरी इक्वल टू कितना? जीरो, यस और नो? क्लास
अब एक चीज़ देखिएगा, क्या जी जीरो होता है भाई? जी का तो वैल्यू होता है कुछ ना कुछ, तो जीरो जीरो होता नहीं है भाई, जी इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्या आंसर जीरो हो रहा है गुणा का भाई, इनकी गुणा का आंसर जीरो है, इनमें कोई एक जीरो होगा या दोनों जीरो होंगे? यस सर नो, वो आंसर जीरो हो सकता है। जी तो जीरो नहीं है पक्का, अभी जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बच गया कौन? ये जीरो ना, जीरो होना चाहिए। यानी क्या है, आई फ्रॉम 1 to n एम आई आर आई इक्वल टू कितना होता है? जीरो होता है। ये हमने यूज कर रहे हैं हम लोग वहाँ पे। समझ में आया कि नहीं आया? ये थ्योरम क्या बोलते हैं देखो, अब इसमें एक्सिस कौन सी होंगी? सारी आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। सही है, पहले तो क्या थी एक्सिस? पैरेलल थी, उसका आंसर निकाल लिया था। कितना आंसर आया था? आई ए बी इज इक्वल टू आई सी डी प्लस एम एच स्क्वेयर बी, यही था ना? इसका भी कुछ ना कुछ आंसर आना चाहिए। अब जो एक्सिस हैं वो आपस में क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं भाई। अब वो कैसे हो सकती हैं? देखो भाई, ये रूम है भाई हमारा, इसमें ये एक्सिस दिख रही है भाई लाइन्स, अरे यहाँ पर लाइन दिख रही है, कोने दिख रहे हैं आपको, ये एक लाइन खड़ी हुई है ऐसे, यह सर नो, तीनों एक दूसरे क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। कर लोगे? अगर आप ये बोलो ये एक्स एक्सिस है भाई, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, आप ये बोलो कि मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ एक्स प्लस मोमेंट ऑफ इनर्सिया वाई किसके बराबर होगा? मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ जेड। ये है आपकी थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। समझ में आया? मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट एक्स प्लस मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट वाई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट ए जेड। दो का आंसर थर्ड के बराबर होगा। इनको देख लो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया, इसका इनर्सिया किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। इसको क्या बोलते हैं? थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो देखिए हमारे पास कोई बॉडी है भाई जिसके पास एन पार्टिकल्स हैं भाई, वी हैव एनी बॉडी हैविंग एन पार्टिकल्स। डायग्राम बनाते हैं एक बार। तो उसको अब ये मान लो फरस पे एक बॉडी रख दी मैंने, कोई भी फरस के ऊपर भी, फरस के ऊपर रखी तो किस में है? एक्स में भी और वाई में भी है। यस और नो, किस में है बॉडी? एक्स में और वाई में भी है। तो ये आपकी एक्सिस होगी एक्स एक्सिस भी, ये होगी वाई एक्सिस, सही है, और ये खड़ी जो एक्सिस है कौन सी है? जेड, ये होगी जेड एक्सिस। ओके भाई, अब हमने क्या माना था कि इसके बॉडी के पास एन पार्टिकल्स हैं भाई, और हर एक का मास कितना था? एम वन एम टू एम थ्री एंड सो ऑन। यस और नो, सभी का मास जोड़ें तो कितना आंसर आएगा? समेशन एम आई आएगा। यस और नो, यानी मैं पूरे मास को एक पॉइंट दिखा रहा हूँ एम आई की टर्म में। पहले बॉडी का मास पर पॉइंट का मास एम वन था, उसका डिस्टेंस कितना था? यहाँ से आर वन मान लेते हैं, वहाँ से आर टू, ऐसे थर्ड का आर थ्री एंड सो ऑन भाई। तो एम आई कितना होगा? आर आई। कितना होगा? आर आई। तो हरे इसके पास एन पार्टिकल्स हैं, हरे का मास एम वन एम टू एम थ्री सो ऑन, डिस्टेंस आर वन आर टू एंड सो ऑन। यस और नो, किससे? जेड से भी। माप रहे हैं सर, कर लोगे? सभी का जोड़ो मास को क्या बनेगा? एम आई बनेगा। डिस्टेंस कितना बनेगा उसका? आर आई मान लेते हैं। तो इसको मान लेते हैं, ये जो डिस्टेंस, ये जो पॉइंट है, किसको दिखा रहा है? ये एम आई को दिखा रहा है। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, किसको दिखा रहा है? ये आर आई को दिखा रहा है। यस और नो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फरस दिख रहा है आपको, ये फरस, ये एक्स है, ये वाई है। फरस पे कॉपी रख दी मैंने, कॉपी का मोमेंट ऑफ इनर्सिया चेक करना है मेरे को भी इन एक्सिस के अराउंड भी। ठीक है, ये पूरी फ्रेश ही मान लो, फ्रेश के पास एन पार्टिकल्स हैं। यस सर नो, हरे का मास अलग हो सकता है, ईंट का मास अलग हो सकता है, ईंट भी बची होंगी यहाँ पे भी। कर लोगे भी? बराबर ही हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें हम लोगों को। हर एक ईंट का डिस्टेंस अलग है यहाँ से, ये डिस्टेंस आर वन आर टू आर थ्री, मास एम वन एम टू एम थ्री सोन भी। क्वेश्चन है कि नेट मास कितना पूरे फ्रेश का भाई? जोड़ना पड़ेगा हर एक ईंट का मास भाई, M1 वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री कितना हो गया? MI। कुछ तो आंसर होगा भाई। ठीक है, MI को बीच से मान लिया, कहीं मेरा MI यहाँ पे है भाई, उसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, कि हम पूरे एक पॉइंट पूरे मास को दिखा दे भाई। हो गया, अब उस पॉइंट का कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक भाई, वो डिस्टेंस कौन सा है? RI। कर लोगे? ठीक है, तो आपको बताना है मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट एक्स वाई एंड जेड, आपस में क्या दूसरे? परपेंडिकुलर है। तो एक बार लिखाते हैं इसका स्टेटमेंट भी, उसके बाद बनाएंगे डायग्राम्स। अभी डायग्राम में तो रहना,
बना लिया। लिखिए भाई, लिखो क्या होता है, इट स्टेट दैट द मोमेंट ऑफ इनर्सिया, इट स्टेट दैट मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ ए प्लेन लेमिना, प्लेन PLANE, प्लेन लेमिना LAMINA, ये क्या चीज़ होती है, कोई भी टू डायमेंशन सरफेस भी जिसकी आपको शेप पता नहीं हो, यस और नो, सो क्या बोलते हैं, लेमिना बोलते हैं भाई। कोई भी बॉडी की शेप जिसकी आपको शेप पता नहीं है कि सर्कल है कि स्फीयर है, कुछ तो आपको शेप पता होती है, सर्कल है स्फीयर है ट्रायंगल है रेक्टेंगल्स है, ये होती है रेगुलर शेप भी, और कुछ चीज़ें बना रखी है कोई भी शेप की, ये शेप ही नहीं पता मेरे को क्या है, ये क्या है आपका, इसको पता है लेमिना बोलते हैं, इट इज़ ए टू डायमेंशन सरफेस भी, अपने पेज को पाट दिया किसी भी शेप में भी वो क्या है, लेमिना भी ले सकते हो ब्रैकेट में, टू डायमेंशन सरफेस। प्लेन में क्या होती है, टू डायमेंशन ही होती है, आपका पेज है कागज का वो क्या है, टू डायमेंशन सरफेस है, कर लोगे वो किसी भी शेप में पाट दो उसको, जो आंसर आएगा वो क्या है, लेमिना है, जिसकी शेप पता नहीं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेमिना। कर लोगे भाई, क्या लिखवा दो बताइए एक बार, मोमेंट ऑफ इनर्सिया ओवर प्लेन लेमिना इज इक्वल टू, सॉरी अबाउट एनी एक्सिस ओ जेड इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। सिंपल है, क्या लिखवाया गया आपको, देखो ये लिखवाया गया है कि मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट जेड भी, ओ जेड किसके बराबर है, द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट ओ एक्स एंड अबाउट ओ वाई, यानी मैं मान सकता हूँ कि आई जेड क्या है भाई, मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट ओ जेड, आई जेड मान लेते हैं, इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट एक्स प्लस मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट वाई, ये आपको प्रूव करना है, लिखो इस पॉइंट को, जो मैंने डेफिनेशन में हो गया लिख लीजिए, प्रूफ में लिखो भाई, लिखिए वी हैव ए लेमिना ऑफ एन पार्टिकल्स, बॉडी तो है ओके बस ये पता नहीं हमको, वी हैव लेमिना ऑफ एन पार्टिकल्स हैविंग मास m1 m2 अप टू mn, having mass m1 m2 m3 and so on up to mn and r1 r2 rn up to rn are the perpendicular distance from axis of rotation कौन सी हो, जेड के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं हम लोग, तो जेड क्या है इसकी, एक्सिस ऑफ रोटेशन भाई, कर लोगे ये डिस्टेंसेस कौन से हैं, R1 R2 एंड सो ऑन भाई, आप इमेजिन करो भाई, देखिए आपके पास दो ही सरफेस हैं भाई, एक्स और वाई मान लेते हैं, ये मेरे पास एक्स है ये मेरे पास वाई, ऐसे बनाते हैं ना डायग्राम एक्स और वाई का, ये पहली बॉडी है, मास कितना है इसका m1, डिस्टेंस कितना है यहाँ से r1 मान लेते हैं, कर लोगे अगर आप r1 को रिजोल्व करते हो, इस तरफ एक्स लिखते हैं हम लोग एक्स की तरफ, इस तरफ कौन सा लिखते हैं वाई लिखते हैं, तो लिख दे इसको x1 y1, ऐसे बनाते हैं हम लोग, पहले बना करते हैं लोग इस तरह की चीज़ें हम लोग, यानी मेरे को पता चलेगा कि एक्स में क्या और वाई में क्या, उसके अकॉर्डिंग मेरे को वैल्यू निकालनी पड़ेगी r1 की r2 की r3 की एंड सो ऑन, ओके तो अब देखिए इतना हो गया भाई,
अब लिख रहा हूं मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट एक्स एक्सिस भी लिखे हुए, मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट एक्स एक्सिस भी, क्योंकि हमको सब कुछ चाहिए अभी, आई एक्स भी चाहिए, आई वाई भी चाहिए, आई जेड भी चाहिए, बस बताना है कि दोनों का जोड़ किसके बराबर होगा, थर्ड के बराबर होगा भाई, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट एक्स एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट एक्स भी, अबाउट एक्स एक्सिस भी, एक्स में निकालते हैं, इसको आई एक्स मान लें। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्सिया भी, एम इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर भी, एम इंटू डिस्टेंस कौन सी होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं हम लोग, तो एक्स के कौन है परपेंडिकुलर क्लास, वाई होगा भी, दो यूज कर रहे हैं अभी तो मेरे पास, एक्स के कौन है वह परपेंडिकुलर, वाई होगा, यस और नो, तो पहला का मास कितना है एम वन, पहले की डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस भाई आर वन नहीं है वाई वन भाई, आर को तो काट दिया, आर तो दोनों में था, एक्स में भी था और वाई में भी था, ये था आर आपका, इट इज आर वन, एक्स में एक्स हो गया था, वाई में वाई हो गया था, यस सर नो, तो पहले मास की डिस्टेंस कहां से लेना है, एक्स में निकाल रहे हैं, इसके कौन है वाई होगा, इसके मैन डिग्री पे, तो क्या होगा ये वाई वन होगा, एम वन वाई वन, समझ में आ रहा है। सेकेंड का भाई एम टू वाई टू एंड सोन भाई, यस सर नो, जोड़ देते हैं सभी को, एम एन वाई एन, ये हो गया मोमेंट, और ये स्क्वेयर भी आता है भाई, आर स्क्वेयर होता है, स्क्वेयर तो होता है एम आर स्क्वेयर लिखते हैं हम लोग उसको, तो एम वन वाई वन स्क्वेयर, एम टू वाई टू स्क्वेयर एंड सोन, नेट कितना होगा क्लास, जोड़ देते हैं, समेशन जोड़े, आई फ्रॉम वन टू एन एम आई वाई आई का स्क्वेयर, आई फ्रॉम वन टू एन, एनी प्रॉब्लम भाई, ये तो हो गया एक्स के अकॉर्डिंग भी, अब निकालते हैं वाई के अकॉर्डिंग भी, लिखो वाई किसके बराबर होगा भाई क्लास, फर्स्ट का कितना होगा भाई, एम वन एक्स वन स्क्वेयर, एम टू एक्स टू स्क्वेयर एंड सोन, एम एन एक्स एन स्क्वेयर भी, सही लिखा है, जोड़ दो इसको भी, आई वाई इज इक्वल टू कितना होगा भाई, समेसन आई फ्रॉम वन टू एन एम आई, और ये क्या है एक्स आई का स्क्वेयर, एम आई एक्स आई स्क्वेयर, सही है, यस और नो, कौन है परपेंडिकुलर क्लास बता दो, पॉइंट नहीं एक्स वाई तो एक्सिस हैं, जेड के कौन है परपेंडिकुलर, ये जेड है, ये आपका आई था, ये डिस्टेंस इसके परपेंडिकुलर है, यस आर नो, तो यानी आर वन आर टू आर थ्री जितनी भी हैं सारी क्या इसके परपेंडिकुलर हैं, यस आर नो, इसको मैंने क्या मान रखा सारे को एम आई मान रखा है, तो ये डिस्टेंस जो है ये समझ में आता नहीं आता तुम लोगों को, ये लाइन खड़ी हुई है इस पर कोई भी ड्रा कर दो इसके क्या होगी मैसा परपेंडिकुलर होगी, फ्रेस के ऊपर भी कर लोगे, ये आर वन है ये भी इसके क्या है परपेंडिकुलर, आर टू भी परपेंडिकुलर, आर थ्री भी परपेंडिकुलर, तो आर आई भी क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, यस आर नो, तो इसका आर आई किसके बराबर होगा भाई, सिंपल है एम आई आर आई स्क्वेयर भी, यस आर नो, अब आर को अगर आपको पता है कि आर आई भी सेम होगा एक्स में वाई में भी, ये कितना होगा एक्स आई, ये कितना होगा वाई आई, ऐसा लग रहा है कि एक वैक्टर फॉर्मेशन हो रहा है अभी, ये वैक्टर है, ये भी वैक्टर है, ये भी वैक्टर है, पैरेलोग्राम लास्ट से अपने वैक्टर को जोड़ा हुआ है एक्स और वाई को, और अपने क्या बना दिया आर बना रखा है इसका, यस और नो, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट ऑफ आर आई, इस डायग्राम से भी बनाए तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर आई, याद है रिजल्टेंट कैसे लिखते हैं, आर इज इक्वल टू अंडर द रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, यस और नो, है तो सारे वैक्टर ही जोड़ना तो कैसे बनाओगे, फार्मूला याद है कि नहीं है, आर का फार्मूला क्या होता है अंडर द रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी कॉस थीटा भी, क्योंकि आपको जोड़ना किसको है आई एक्स और आई वाई को जोड़ना पड़ेगा आपको भी,
ठीक है। अब देखिए अभी यहाँ पे इसको कैसे जोड़ोगे, इनको कैसे जोड़ोगे, एक्स आई को इनको इसी फॉर्मूले जोड़ेंगे हम लोग, अंडर द रूट एक्स आई का स्क्वायर वाई आई का स्क्वायर प्लस टू एक्स आई वाई आई, कितना एंगल के बीच में 90 डिग्री का भाई, दीज आर 90 डिग्री बन रहे हैं सर एक्स और वाई, यस सर नो, और कॉस 90 क्या होता है जीरो इंटू समथिंग, ये जीरो हो गया भाई, यस सर नो, क्या बचा अंडर द रूट एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर, इसको ले सकता हूँ आर आई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर, सही है कि नहीं है, स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ अंडर रूट कट गया उसका, और कॉस 90 क्या हो गया जीरो हो गया, ये बन रहा है यहाँ से यस और नो है आर आई का वैल्यू, अभी तो कुछ नहीं है सर आर आई निकल रहा हूँ, मैं एक्सिस निकल रहा कोई भी आर आई का वैल्यू किस में है, एक्स में भी है और वाई में भी है, कितना वैल्यू है आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर, ठीक है भाई। अब आपके पास दो थी भी, दो चीज़ें थी आई एक्स और आई वाई, उनको जोड़ें भी, लिख लीजिए एडिंग आई एक्स एंड आई वाई, आई एक्स और आई वाई को जोड़ दो, ये मैंने निकाल लिए हैं अभी, तो आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा अभी क्लास, देखो समेशन क्या था, समेशन आई फ्रॉम वन टू एन एम आई, इसका कितना था वाई आई का स्क्वायर प्लस समेशन आई फ्रॉम वन टू एन एम आई एक्स आई का स्क्वायर, यही था ना भाई, तो आई एक्स प्लस आई वाई कॉमन क्या रहा दिन में से भी, समेशन आई फ्रॉम वन टू एन दोनों में समेशन किया गया है तो कॉमन समेशन निकाल लेते हैं, दोनों में एम आई है बाहर निकाल लेते हैं एम आई, अंदर क्या बचेगा भाई वाई आई स्क्वायर प्लस एक्स आई स्क्वायर, यस और नो, सही लिखा है, और वाई आई स्क्वायर प्लस एक्स आई स्क्वायर किसके बराबर है आर आई स्क्वायर, सही है कि नहीं, तो पुटिंग द वैल्यूज भी ये लिख लिया अभी, इतना जल्दी करो, तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मेरा शक हो रहा है ना भाई, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है इस मिनट में का, मैंने काम किया भाई तो हमें पढ़ना रोटेशन पढ़ना, दूसरा एन पार्टिकल्स के लिए पढ़ना अभी, तो ये समेशन बार बार आएंगे भाई, यूज़ करना आना चाहिए आपको, ठीक है, जोड़ेंगे हम बार बार जोड़ेंगे पार्टिकल्स के मास को डिस्टेंसेज को ऐसा कुछ करके, ये हर मिनट में आ रहा है टॉपिक आपके देखें तो, हमें मान रहे हम लोग एन पार्टिकल्स हैं मास एम वन डिस्टेंस आर वन आर टू एंड सो ऑन भी, ठीक है ना, इतना हो गया, ये किसके बराबर है भाई प्लस आई वाई इज इक्वल टू समेसन आई फ्रॉम वन टू एन एम आई किसका आर आई स्क्वायर, अब अगर ढंग से देखो ना आर आई किसके परपेंडिकुलर है अभी, एक न तो एक्स के है और न वाई के, किसके है जेड के, तो ये मास और जेड का किसका आ गया मोमेंटम और जेड नहीं है ये, यस सर नो, जो आर आई है ना ना तो एक्स के 90 डिग्री पे है ना वाई के 90 डिग्री पे है, बीच में आर एन के वो किसके है 90 डिग्री जेड के, तो इट इज मोमेंट ऑफ इनर्सिया किसका भाई जेड का भाई, हमको यही प्रूव करना था भाई आई जेड बराबर है किसके आई एक्स प्लस आई वाई के, समझ में आया कि नहीं आया भाई, दिस इज अ थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस भी।